सोने की बात बता सकूं, तोड़ के दिखा सकूं, तो ये पूरी बर्फियां हैं। ये देखें जाएगा, ये देखें पूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। सर्दियां आ रही हैं, फिश का सीजन आ रहा है, और जो लोग ऑयल पसंद नहीं करते, फ्राई फिश को पसंद नहीं करते, उनके लिए गिफ्ट देने वाला हूं कि वो स्टीम फिश किस तरीके से बना करके खा सकते हैं। मुकम्मल गाइड करने वालों मेरे भाइयों, तवज्जो नाल देखा जाए। 1 किलो फिश ले ली मैंने रोहू, और ये 1 किलो वजन बनता है इनका, नेट वेट जिसे आप कहते हैं, सफाई करके। ठीक है, नमक अजवैन लगा के मैंने इसको रख दिया 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद इसको अच्छे तरीके से वाश कर लिया, इस तरीके से आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पे कट लगा दें, वो उसका तरीका मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आप फिश को वाश करें, अजवैन लगा के भी, और अजवैन नमक और पानी में डिप करके रख दें, फिर उसके बाद आप निकाल लें, अच्छे तरीके से वाश कर लें, इस तरीके से कट लगा दें, ठीक हो गया। इसको भी इस तरीके से लगा लें। इसके साथ किसल मच्छी ले लें। ये मेरे पास लेमन जूस है 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है बाजार वाला, तो आप 2 लीमू शामिल कर लें, 1 लीमू आप शामिल कर लें, कोई मसला नहीं है। ये शामिल कर दें, सिरका 1 टेबल स्पून शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। ये रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, हल्दी 1/4 टीस्पून शामिल कर दें, नमक 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, ये टीस्पून है, खुश्क धनिया 1 टीस्पून शामिल कर दें, टाटरी 1/4 टीस्पून शामिल कर दें, अजवैन 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दें, कुटी हुई मिर्च इधर पर जानी है, ठीक हो गया। ये कुटी हुई मिर्च ले लें, पीछे पई सी इतने नहीं सी, ये ले लें 1 टीस्पून भर के शामिल कर दें, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ऐसे। हाँ, सुभान अल्लाह, मिक्स कर लें और इसको फिश को अच्छे तरीके से इसमें मसाज कर दें, अच्छे तरीके से इसको, इस तरीके से, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से लगा दें ऐसे। ये देखें ऐसे अच्छे तरीके से कट के बीच में भी लगा दें सारे, फिर अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से मसाले को लगा दिया, और आधे घंटे के लिए छोड़ दें, आधे घंटे के बाद आपको मिलता हूँ। इसके साथ का पैन ले लें, उसके अंदर पानी डाल दें, इस तरह हमने स्ट्रेनर रखना है, स्ट्रेनर से 1/2 इंच नीचे हो पानी, ठीक है, स्ट्रेनर रख दें, फ्लेम को ऑन कर दें, पानी को बॉयल आने दें, जब तब तक पानी को बॉयल आता है मैं इधर आ जाते हूँ। ये देखें ये फाइल पेपर इसके साथ की मार्केट से मिल जाती है, ले लें, कोई मसला भी नहीं बनेगा, कोई तरीके से करें, सुभान अल्लाह, चस्के, ये ऐसे रखें, ठीक हो गया। इसको ऐसे करें, ऐसे यहाँ से, इसको यहाँ से ऐसे करें, इसको यहाँ से ऐसे करें, ठीक हो गया, इसको यहाँ से उठाएं और इसको ऐसे करें, पैक कर दें इसको, इस तरह चस्के, ठीक है, ये चस्के बन गए। बस दूसरा ले लें इस तरीके से, दूसरी ये जो है ना फिश उठाएं ऐसे, ये जो इसका ऊपर पानी वगैरह है ये भी बेची दाब दे, कोई मसला नहीं, मसाला वगैरह ऐसे लगा दें, इसको यहाँ से अलग कर लें ऐसे, ठीक हो गया। इसको यहाँ से ऐसे रख के इसको ऐसे फोल्ड करें, इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करें, इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करें, ऐसे कर दिया, इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करें, ठीक हो गया। अब पानी को बॉयल आ जाए, ये नहीं जी, पानी हमारा हल्का हल्का गर्म हो गया। अब आपने क्या करना है इस टाइम पे, सबसे पहले तो 1/2 घंटा 40 मिनट इसको मैरिनेट करके रखना है आपने, बात समझ आई आपको। इसको इस तरह रख दें, इस तरह इसको यहाँ पे ऐसे इस तरीके से रख दें, ठीक हो गया। इसको ऊपर से कवर लगा दें, कवर को भी मैंने फाइल पेपर में लपेटा हुआ है, ठीक है, ताकि हमारी स्टीम रिमूव ना हो। इसको यहाँ से बंद कर दें, ऊपर वजन दे दें इस तरीके से, हमारी 5 मिनट आँच तेज रहेगी ताकि पानी को अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम इसको रखेंगे 35 मिनट दम वाली फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम कर देनी है 5 मिनट तो बाद, दम वाली फ्लेम पे 35 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ये नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह 40 मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं, इसका ये वेट हटाने लगे हैं, इसको खोलने लगे हैं, गर्म है भैया, थे कपड़ा ले लें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, थोड़ी सी हीट निकल जाए फिर मैं आपको इसके लुक दिखाता हूँ। ये लेंगे और इस टाइम पे आके इसको आराम से हटा उठाएं यहाँ से, सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे ले आए इसको, उठाएं और यहाँ पे ले आए, ठीक हो गया। अब इसको हम खोलने लगे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह,
कमाल, सुभान अल्लाह, ये देख लें, ये देख लें, सुभान अल्लाह, दूसरा पीस खोलने लगे हैं। मुकम्मल तौर पे टेंडर हो चुकी है, ये देखें, ये देखें, सुभान अल्लाह। साथ में चाट मसाला, इसकी रेसिपी पहले हमने आपको दी हुई है, जितना पसंद करते हैं ले सकते हैं, साथ में लीमू निचोड़ सकते हैं। अगर मैं आपको इसकी टेंडर होने की बात बता सकूं, तोड़ के दिखा सकूं, तो ये पूरी बर्फियां हैं, ये देखें, ये पूरी बर्फियां नहीं जिन्हें टूट जाती हैं, कांटा इसका अलग हो जाएगा, ये देखें पूरी बर्फियां ऐसे उठाएं इस तरीके से, ये देखें पूरे तरीके से टेंडर हो चुकी है। ये वाला कांटा इसका अलग कर लें और आराम से जो है ना खाएं। जिन उन लोगों के लिए गिफ्ट है ये, जो लोग ऑयल को पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने ये स्टीम वाला गिफ्ट उनके लिए दिया है। ये रही जी स्टीम फिश, किस तरीके से तैयार हो सकती है आपको मेरे भाइयों मुकम्मल गाइड कर दिया। आप सीखा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।